नमस्कार। आज हम बीए सेकंड ईयर के पेपर सेकंड में राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है, जो राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के आधार पर बांटे गए हैं। इनमें जो सबसे पहले बांटा गया, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को आड़ोती पठार भी कहा जाता है। अब अध्ययन की दृष्टि से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या वेस्टर्न सैंडी प्लेन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग है रेतीला शुष्क मैदान, सैंडी एरिड प्लेन, और दूसरा है अर्धशुष्क या राजस्थान बांगड़ प्रदेश। तो एक सैंडी एरिड प्लेन हो गया, दूसरा हो गया सेमी एरिड प्लेन या राजस्थान बांगड़ प्रदेश। अब इसका भी रेतीला शुष्क मैदान या सैंडी एरिड प्लेन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट जो आपके हैं मरुस्थली भाग, जो आपका ये वाला भाग जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, जो आप मैप में देख रहे हैं, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो आपके रेतीला शुष्क मैदान सैंडी एरिड प्लेन, जिसके अंतर्गत एक भाग आता है मरुस्थली, ये वाला भाग है मरुस्थली। मरुस्थली यह मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर और बाड़मेर के क्षेत्रफल में। यह मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थली भाग है, रेतीला है, इसके कारण इसका नाम थार मरुभूमि भी कहा जाता है इसको। इसके बाद दूसरा जो भाग आता है अपने, वो है सैंड ड्यून्स फ्री ट्रैक्ट, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये मरुस्थली भाग से लगा हुआ भाग है। देखिए आप, जैसे ये मरुस्थली, इसके बिल्कुल ये पास वाला सैंड ड्यून्स, ये वाला फ्री ट्रैक्स, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसलमेर के आसपास, जैसलमेर के चारों ओर का भाग जो लगभग 65 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पोकरण तथा फलोदी तहसील के क्षेत्र में आता है। ये पथरीला भाग है जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानों से बना हुआ है। अब दूसरा प्रमुख भाग है अर्धशुष्क सेमी एरिड प्लेन या राजस्थान बांगड़ प्रदेश। अब अर्धशुष्क या राजस्थान बांगड़ प्रदेश, ये अरावली के पश्चिमी किनारे, ये अरावली का भाग है। इसके पश्चिमी किनारे से रेतीले शुष्क मैदान तक इसके बीच का भाग, ये वाला लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ भाग है। इस भाग को भी अध्ययन की दृष्टि से या अध्ययन करते हैं तो कुछ उप भागों में बांट कर करते हैं। जैसे सबसे पहले लूनी बेसिन, ये आपका है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन में क्या है, जो लूनी नदी है उसका जो कैचमेंट एरिया है पूरा, ये नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी से निकलती है और इसका जो क्षेत्र है वो लूनी बेसिन है। दूसरा आता है शेखावाटी भूभाग, या इसको आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है, ये शेखावाटी रीजन, ये वाला भाग। ये जो भाग है आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। तीसरा आता है नागौरी उच्च प्रदेश, ये नागौरी उच्च प्रदेश, नागौर अपलैंड, नागौरी अपलैंड। आप देखिए लूनी बेसिन और शेखावाटी रीजन के बीच का भाग, ये है नागौरी अपलैंड्स। और चौथा आता है घग्गर का मैदान,
घग्गर प्लेन ये वाला भाग, घग्गर प्लेन ये मुख्य रूप से गंगानगर जिले के 3/4 भाग पर फैला हुआ है। इसमें इस नदी के अलावा और कोई नदी नहीं बहती है। इस नदी के पाट को जो राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है, नाली का अर्थ यह है कि छोटे जल का जो प्रवाह होता है नाली के रूप में या छोटी नदी के रूप में, उसको यहाँ नाली कहा जाता है। तो ये जो अपन वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स पढ़ते हैं, जिसमें दो भाग हैं, एक होता है सैंडी एरिड प्लेन, फिर उसके दो भाग करते हैं मरुस्थली और ड्यून फ्री ट्रैक्ट। इसमें दूसरा आता है सेमी एरिड प्लेन या राजस्थान भांगड़, जिसके अंतर्गत अपन चार भाग करते हैं लूनी बेसिन, शेखावाटी रीजन, नागोरी अपलैंड्स और घग्गर प्लेन। ठीक है, अब दूसरा जो प्रमुख भौतिक प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली रेंज एंड हिली रीजन्स। अरावली श्रेणी राजस्थान की सबसे विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। यह सबसे पुराने पर्वत श्रेणियों में से एक श्रेणी है। यह जो दक्षिण पश्चिम में सिरोही से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक श्रृंखलाबंद रूप में पाई जाती है। इसके बाद यह छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित हो जाती है और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। ये पूछा जा सकता है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है। अब अरावली पर्वत श्रेणी या पहाड़ी प्रदेश को अध्ययन करने की दृष्टि से कुछ उपभागों में विभाजित किया जाता है। जैसे सबसे पहले अपन बांटते हैं उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। अब यह उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, फिर आपका आता है मध्य, जैसे ये है अरावली वाला रीजन, ये बीच वाला ये भाग। इधर आप देख रहे हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। अब यहाँ से आप देखिए इसमें, जैसे इसमें आप देखिए इस रूप में, जैसे या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये पूर्वी मैदान, ये दक्षिण पूर्वी पठार। अब जो अपन बात कर रहे हैं इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला, तो ये अरावली, अब सेंट्रल मध्य अरावली श्रेणी, ये सेंट्रल अरावली वाला बीच का भाग है आपके। अब तीसरा है इसमें मेवाड़ पहाड़ियाँ या भोराट पठार, और चौथा अपन करते हैं आबू पर्वत खंड। अब इन चारों भागों की अलग अलग विशेषताएं, जैसे सबसे पहले आपका आता है नॉर्थ ईस्टर्न उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। अब यह प्रदेश मुख्य रूप से जयपुर जिले के उत्तरी पश्चिम भाग तथा अलवर जिले के अधिकांश भाग पर पाया जाता है। कौन सा? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। अब इसके बाद में आता है मध्य अरावली श्रेणी, ये मिडल वाला सेंट्रल अरावली। जो बीच वाला भाग है, सेंट्रल अरावली वाला भाग है, ये मुख्य रूप से अजमेर, जयपुर जिले तथा टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अब तीसरा इसमें क्षेत्र आता है मेवाड़ पहाड़ियाँ तथा भोराट पठार। यह प्रदेश पूर्वी सिरोही, उदयपुर के पूर्व में एक संकरी पट्टी को छोड़कर संपूर्ण उदयपुर तथा डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। अब इसके बाद में सबसे नीचे का भाग, जैसे इधर आप देख रहे हो ये वाला, ये भोराट प्लेट्यू, और ये आपका है आबू ब्लॉक, आबू पर्वत या आबू ब्लॉक पर्वतखंड। ये
आबू पर्वत लगभग 19 किलोमीटर लंबा है, 8 किलोमीटर चौड़ा है, जो समुद्र से लगभग 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस पर्वत पर जेम्स टॉड ने गुरु शिखर, जो हिमालय और नीलगिरी के बीच, हिमालय जो उत्तर में, नीलगिरी जो दक्षिण भारत में है, इनके बीच में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। अब इसके बाद में, इस पर्वत के आबूखंड के बाद में सिवाना, जो बाड़मेर जिले में सिवाना बालोतरा के बीच का भाग है, सिवाना ग्रेनाइट पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसमें गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है, गोलाकार, जिसको 56 की पहाड़ियाँ तथा नाकोड़ा, जो बालोतरा से 10 किलोमीटर आगे है, नाकोड़ा पर्वत के नाम से प्रमुख है। इसके बाद अगली वीडियो में अपन राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, दूसरा एक पूर्वी मैदान, और लास्ट में आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार या हाड़ौती के पठार।